हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, किस तरह वर्क करता है एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किसी भी रिले को ऑपरेट किस तरह किया जाता है, उसमें होल्डिंग किस तरह दी जाती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वर्किंग एंड कनेक्शन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होने वाले हैं सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर हो गए। बेसिकली आज के वीडियो में हम किसी स्टार्टर का कनेक्शन नहीं सीख रहे हैं, जस्ट बेसिक कनेक्शन सीख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टार्ट किस तरह किया जाता है, स्टॉप किस तरह किया जाता है, सब कुछ सिखाया था। बट उसमें हमेशा यही कमेंट्स आ रहे थे, सर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन एक बार बता दीजिए, किस तरह आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिले को होल्ड किया। तो आज के वीडियो में हम इसकी बेसिक वायरिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक तरह का सेंसर होता है जो किसी भी डिवाइस को सेंस करने का काम करता है विथाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के ये डिवाइस को सेंस करने का काम करता है। यह इंडक्टिव सेंसर है, दैट मीन्स ये मेटल को सेंस करता है, तो ये मेटल को सेंस करेगा विथाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। बेसिकली सेंसर कई टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टिव, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। चले कि हम सेंसर के वायर के बारे में सीख लेते हैं। तो बेसिकली सेंसर टू वायर भी होते हैं, थ्री वायर भी होते हैं और फोर वायर भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंसर की डिटेल दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनपी टाइप का सेंसर है और इसमें बेसिकली देखा जाए तो 8 mm तक सेंस कर सकता है। ये फोर वायर सेंसर है। तो फोर वायर सेंसर में क्या होता है बेसिकली चार वायर होते हैं। चार वायर में क्या होता है, देखिए एक होता है रेड, रेड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है कोई भी सेंसर हो। एक होता है ब्लू, ब्लू होता है नेगेटिव। यदि 24 वोल्ट सेंसर है तो हमें रेड में प्लस देना होगा और ब्लू में नेगेटिव देना होगा। यदि 12 वोल्ट सेंसर हो तो भी इस तरह से देना है। और जो ब्लैक वाला वायर है वह इसमें क्या है आउटपुट वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक वाला वायर यहाँ पे आउटपुट है, रेड यहाँ पे दिखा जाए तो पॉजिटिव है और ब्लू यहाँ पे नेगेटिव है। और कई सेंसर में यदि फोर वायर सेंसर है तो उसमें एक व्हाइट वायर होगा, व्हाइट वाला वायर होगा, व्हाइट को हमने यहाँ पे येलो से दिखाया है। तो व्हाइट वाला जो वायर होगा वो नॉर्मली एनसी वायर टर्मिनल होगा। तो बेसिकली हमें तीन वायर का ही यूज होता है यदि हमें किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करना है। तो चलिए वायर का डाउट क्लियर हुआ। बेसिकली रेड में पॉजिटिव देना होता है, ब्लू में नेगेटिव देना होता है, जो ब्लैक वाला वायर होता है वो हमेशा इसका आउटपुट टर्मिनल होता है। अब आउटपुट क्या होगा यह समझ लेते हैं। यदि आपका पीएनपी टाइप का सेंसर है, दैट मींस पीएनपी टाइप का सेंसर है, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट कब मिलेगा जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा, इसके सामने कोई मेटल को लाई जाएगी, इसके सामने किसी मेटल को लाई जाएगी तो यह ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा हमें आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा, पीएनपी की कंडीशन में यहाँ हमें पॉजिटिव मिलेगा। और यही यदि आपका सेंसर एनपीएन होगा तो यहाँ पे आपको इसका जो आउटपुट मिलेगा इसके सामने जैसे ही मेटल को लाई जाएगी तो यहाँ पे आपको जिसका आउटपुट मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। यही मेजर डिफरेंस होता है पीएनपी टाइप के सेंसर में और एनपीएन टाइप के सेंसर में। चलिए सेंसर के वायर हमें समझ में आ गए, इनका आउटपुट क्या होगा समझ में आ गया। अब हम इस रिले को इस सेंसर से ऑपरेट किस तरह किया जाएगा एवं एक बार ऑपरेट होने के बाद इसे होल्ड किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम इसमें एक एसएमपीएस यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है, बेसिकली 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, इसलिए हम यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी एसएमपीएस के थ्रू देंगे। उससे पहले हम इसे रिले को ऑपरेट करने के लिए रिले के बारे में समझ लेना चाहिए। तो हमारे पास जो रिले है जितने वोल्ट का हमारा सेंसर है उतने ही वोल्ट का रिले हमने लिया है, बेसिकली 24 वोल्ट डीसी का हमने यहाँ पे रिले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर नहीं दिख रहा है बट 24 वोल्ट डीसी का हमने यहाँ पर रिले लिया है। चलिए उसके टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं। यह है रिले बेस। तो रिले बेस में क्या है, नीचे 7812 टर्मिनल है और 6543 ऊपर की तरफ टर्मिनल है। अब इनका मतलब क्या होता है पहले यह समझ लेते हैं। तो बेसिकली 2 और 7 क्या होती है, इसकी कॉइल होती है 24 वोल्ट डीसी है, तो जैसे ही 2 और 7 पर 24 वोल्ट डीसी मिलेगा तो हमारा क्या होगा रिले ऑपरेट होगा। चलिए रिले की कॉइल हो गई 2 और 7, अब क्या होगा 1 और 8 कॉमन पॉइंट है, 1 और 8 क्या है कॉमन पॉइंट है, 1 के साथ 4 देखा जाए तो 1 के साथ 4 क्या है एनसी पॉइंट है, 1 के साथ 4 एनसी पॉइंट है और 3 क्या है एनओ पॉइंट है। इसी तरह 8 के साथ जो 5 टर्मिनल है वह एनसी पॉइंट है और जो 6 नंबर है वह एनओ पॉइंट है। चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। चलिए हम इस सेंसर से इस रिले को ऑपरेट किस तरह कर सकते हैं समझ लेते हैं। बेसिकली हम कोई भी स्टार्टर नहीं बना रहे हैं जो जिसके लिए पुश बटन कनेक्ट करे, जस्ट हम बेसिक वायरिंग सीख रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने का है, 24 वोल्ट का है, रिले भी 24 वोल्ट का है, तो हमें जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी वो कितने वोल्ट की होगी, 24 वोल्ट की होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट कनेक्ट करते हैं एसएमपीएस में और यहाँ से हम डीसी सप्लाई 24 वोल्ट निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने क्या किया है अभी एसएमपीएस में
220 वोल्ट करेक्ट कर दिया, यहां से 24 वोल्ट मिलेगा जो कि हमें सेंसर को देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो 24 वोल्ट डीसी है उसे क्या करना, इस सेंसर में जो तीन वायर निकले हैं उसमें क्या करना है, जो पॉजिटिव वायर उसे रेड में कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव वायर उसे ब्लू में कनेक्ट करना है, चूंकि पीएनपी सेंसर है। तो हम इतना अभी कर लेते हैं, दो वायर कनेक्ट करके एक वायर रेड में लगा देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को ब्लू में लगा देते हैं। तो चलिए 24 वोल्ट डीसी हमने अभी सेंसर में कनेक्ट कर दिया है। सेंसर के रेड वाले वायर में हमने बेसिकली पॉजिटिव कनेक्ट किया है और ब्लू वाले वायर में अभी हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है। तो हमारे एसएमपीएस से जो नेगेटिव आ रहा है उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स प्रोक्सीमिटी सेंसर में 24 वोल्ट सप्लाई हमने दे दी है, ये इसका आउटपुट होने वाला है। चूंकि पीएनपी सेंसर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम रिले को ऑपरेट किस तरह करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रिले कब ऑपरेट होगा, जब उसे 24 वोल्ट डीसी मिलेगी, जो कि उसका ये पॉइंट है, 2 और 7 में 24 वोल्ट डीसी मिलेगी तो ये रिले ऑपरेट होगा। हमें सेंसर से ऑपरेट करना है तो सेंसर का आउटपुट क्या होगा, जब इसके सामने कोई मेटल को लाई जाएगी तो यहां से हमें पॉजिटिव मिलेगा, जो कि हम क्या करेंगे यहां से निकालकर इस रिले के 2 नंबर पॉइंट में दे देंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा जब रिले, जब इसका सेंसर ऑपरेट होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो नेगेटिव हमें यहां से एसएमपीएस से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। तो यहीं से हम एसएमपीएस से 7 नंबर में सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्ट दे देते हैं और जो पॉजिटिव होगा वह सेंसर के ऑपरेट होने के बाद आएगा। तो चलिए हम जो रेड वाला वायर है, जो ब्लैक वाला वायर है, इसे 2 नंबर में पहले कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारा यह क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा। तो चलिए हमने क्या किया, सेंसर का आउटपुट जो पॉजिटिव था उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एसएमपीएस से हमने एक नेगेटिव वायर और कनेक्ट किया और यहाँ से नेगेटिव इसे डायरेक्ट दे देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तो ये हमारा रिले ऑपरेट होगा। बट रिले कितनी देर के लिए ऑपरेट होगा, जितनी देर के लिए इसे हम सेंस करेंगे उतनी देर के लिए ही ऑपरेट होगा, परमानेंट होल्ड नहीं होगा। चलिए इसे पहले से ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले से ऑपरेट करके देख लेते हैं। देखिए सप्लाई हमने चालू की, हमारा एसएमपीएस ऑन हो गया है, दैट मीन्स सेंसर में सप्लाई आ गई है। जैसे ये टच होगा देखिए रिले ऑपरेट होगा। बट रिले कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा है, जितनी देर के लिए जस्ट हमारा सेंसर टच हो रहा है, बस इतनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा है, इसे हमने होल्डिंग नहीं दी है। चलिए अब हम होल्डिंग किस तरह देंगे ये समझ लेते हैं। तो होल्डिंग के लिए हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है, जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में ड्यूल स्टार्टर में होल्डिंग देते हैं उसी तरह होल्डिंग देना है। हम कॉन्टेक्टर में किस तरह होल्डिंग देते हैं, एक कॉमन पॉइंट और एक एनो पॉइंट यूज करते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर में हम क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए ये कॉमन पॉइंट और एनो पॉइंट यूज करते हैं, उसी तरह हम इसमें भी होल्डिंग में कॉमन और एनो पॉइंट को यूज करना है। तो हम कोई भी कॉमन और कोई भी एनो ले सकते हैं, 2 कॉमन और 2 एनो पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक तो 1 नंबर कॉमन को यूज करेंगे और उसके साथ एनो को ना 3 नंबर। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 3 नंबर में 24 वोल्ट सप्लाई जो आ रही है उसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव को। देखिए जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ रही है एसएमपीएस से, उसे हम ले जाके 3 नंबर में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। देखिए 3 नंबर में डायरेक्ट दे देंगे, जो 1 की लूपिंग है उसे 2 की लूपिंग है उसे 1 में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, कॉमन में सप्लाई आ गई है। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ये 3 की सप्लाई वो 1 में आ जाएगी और हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करने से पहले, यदि आपके पास एनपीएन सेंसर होता तो उस कंडीशन में आप क्या करते, तो कुछ नहीं करना, एनपीएन का सेंसर क्या आउटपुट क्या होता, नेगेटिव होता। तो आपको क्या करना होता, नेगेटिव सप्लाई को यहां पर कनेक्ट करना होता सेंसर के थ्रू और उस टाइम पर आपको पॉजिटिव को सप्लाई को डायरेक्ट कनेक्ट करना होता। सेंसर का आउटपुट नेगेटिव होता तो नेगेटिव आपको सेंसर से देना होता और पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट करना होता, कुछ नहीं करना होता। चलिए अभी हम होल्डिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 24 वोल्ट सप्लाई का जो पॉजिटिव है उसे हम 3 नंबर में कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी लूपिंग एक नंबर में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए जो कॉयल का सप्लाई था उससे हम उसमें एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमें जो कॉमन का पॉइंट है 1 नंबर, इसमें एक लूपिंग हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने लूपिंग भी कनेक्ट कर ली और 3 नंबर में पॉजिटिव सप्लाई भी दे दिया, हमारा कनेक्शन हो गया है। अभी से हम प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देख लेते। बेसिकली काफी बेसिक वायरिंग की है हमने, इसके लिए कोई भी पुश बटन यूज नहीं किया क्योंकि हमें बेसिक समझना है। यदि आप इसे आगे तक समझना चाहते हैं, किस तरह किसी भी मोटर स्टार्टर को पुश बटन से ऑन ऑफ करके प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टार्ट स्टॉप किया जाता है, लिमिट स्विच से स्टार्ट स्टॉप किया, तो आपको हमारे चैनल पर उनके वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहां पे आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे जहां पे जाके आप आगे तक की वीडियो सीख सकते हैं। चलिए इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगने पर यह प्रॉपर होल्डिंग हो रहा है। चलिए हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है, जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगेगा तो हमारा रिले क्या होगा, देखिए परमानेंट होल्ड हो गया है। अब चूंकि इसमें हमने पुश बटन नहीं लगाया इसलिए हमें इसे एमसीबी से ही बंद करना, हम इसकी बेसिक वायरिंग देख रहे हैं। चलिए इसे फिर से ऑपरेट करते देखिए आप, इसे हम जैसे ही करेंगे देखिए हमारा रिले होल्ड हो गया है, इसे स्टॉप किया और तो देखिए रिले कट गया। फिर से इसे एक बार ऑपरेट करते हैं, देखिए रिले ऑपरेट हुआ और प्रॉपर होल्ड हुआ है। इस तरह हम किसी भी रिले को होल्ड कर सकते हैं, इसमें हमने कोई भी पुश बटन का यूज नहीं किया, कोई कनेक्शन का यूज नहीं किया। यदि आप ज्यादा सीखना चाहते हैं
आपको हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।